ये आज के लेक्चर का थर्ड सेशन है और इसमें हम एयर सैम्पलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं और इसकी जो फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं सैम्पलिंग के मुख्तलिफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए, प्लानिंग के प्रोसेस से लेकर एग्जीक्यूशन तक और एनालिसिस तक, तो उनको हम देख रहे हैं। तो अब स्पेसिफिकली देखते हैं मेट्रोलॉजिकल, फिजिकल और केमिकल जो पैरामीटर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं एयर सैम्पलिंग को। और जैसे कि मैंने बताया कि ये जब हम एयर सैम्पलिंग कैरी आउट करते हैं तो उसमें साथ में जो मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं या वेदर पैरामीटर्स हैं उनकी मॉनिटरिंग भी साथ में की जाती है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि जो मेट्रोलॉजिकल या वेदर पैरामीटर्स की जो मॉनिटरिंग है वो इंटीग्रल पार्ट है सैम्पलिंग के प्रोसेस का। और जो मेट्रोलॉजिकल डाटा है वो उसकी बेसिस पे हमें ये पता चलता है कि जो लोकल टेरेन है, लोकल टोपोग्राफी है किसी एरिया की, उसका क्या इफ़ेक्ट है एयर फ्लो के ऊपर। सही हो गया। और फिर वो एयर फ्लो जो है या विंड जो है वो उसकी जो डायरेक्शन है और विंड वेलोसिटी जो है या विंड स्पीड जो है वो इन टर्न इफ़ेक्ट करती है एयर पोल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को। अब जो है अगर तो जिस एरिया की आप सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं अगर तो उसके अंदर उसमें पहले ही कोई मेट्रोलॉजिकल साइट या ऑब्जर्वेटरी मौजूद है तो वहाँ से आप डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आप किसी एरिया में अगर नहीं है मौजूद और वहाँ पे आप एयर सैम्पलिंग करना चाह रहे हैं तो फिर आपको वहाँ पे पहले मेट्रोलॉजिकल जो फैसिलिटी है वो साथ में, ऑब्जर्वेटरी साथ में इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सही। अब जो पैरामीटर्स हैं मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स जो कि अफेक्ट करते हैं एयर सैम्पलिंग को, उसमें विंड स्पीड है, डायरेक्शन है, एटमोस्फेरिक स्टेबिलिटी है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और एटमोस्फेरिक प्रेशर है। और अगर हम वन बाई वन इनका देखें कि किस मैकेनिज्म के ज़रिए या कैसे ये अफेक्ट करते हैं, तो जो विंड स्पीड है, विंड स्पीड को जो चीज़ें अफेक्ट करती हैं वो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। आपको पता है कि जो अर्थ है वो उसकी जो शेप कुछ इस तरह से है कि उसके ऊपर जो सोलर एनर्जी पहुंचती है वो नॉन यूनिफॉर्म है। एरियाज़ जो कि इक्वेटर के ऊपर हैं या 30 डिग्रीज नॉर्थ और साउथ पे हैं उन पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी वहाँ पे आती है और एनर्जी उस एनर्जी का ज़्यादातर पार्ट जो है वो ज़मीन में एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर कम पार्ट जो है वो री रेडिएट होता है या रिफ्लेक्ट होता है। जबकि जैसे जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएँ या साउथ पोल की तरफ तो वहाँ पे चूँकि स्नो है और उस एकोमोलेशन की वजह से रिफ्लेक्ट जित एक तो एनर्जी वहाँ पे कम पहुँचती है और दूसरा एनर्जी रिफ्लेक्ट ज़्यादा हो जाती है वाइट कलर की वजह से, तो इसलिए टेम्परेचर वहाँ पे कम होता है। तो इस टेम्परेचर का जो डिफरेंस है इसकी वजह से प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होता है और उस प्रेशर का जो ग्रेडियंट है, प्रेशर ग्रेडियंट मीन के कुछ एरियाज़ में प्रेशर ज़्यादा है और कुछ में कम है, तो वहाँ से फिर इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जो एयर है वो फ्लो करना शुरू करती है। सही। और जब एयर फ्लो करती है तो उससे फिर आपको पता है कि जो पॉल्यूटेंट्स हैं कोई भी जो एयर में मौजूद हैं वो बजाते खुद ट्रैवल नहीं कर सकते, वो एयर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं उनको ट्रैवल करने के लिए, या उनका जो फेट है वो डिपेंड करता है विंड स्पीड के ऊपर और इसकी डायरेक्शन के ऊपर। और अगर तो वो जो जो पॉल्यूटेंट्स हैं वो पार्टिकुलेट या सॉलिड पार्टिकल्स की सूरत में हैं तो चूँकि उनके पार्टिकल का साइज़ पे डिफाइन करता है डिसाइड या उसकी बेसिस पे डिसाइड होता है कि वो पार्टिकल जो है वहीं पे रहेगा उस एरिया में जहाँ पे सोर्स है या के किसी और एरिया में जाएगा और कितनी दूर तक जाएगा, क्योंकि स्मॉल साइज़ के पार्टिकल जो है वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर जाते हैं और जो बड़े साइज़ के पार्टिकल्स हैं वो रास्ते में जो है वो प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाते हैं। सही। तो इस तरह से जो विंड स्पीड है वो अफेक्ट करती है पॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेशन को या पॉल्यूटेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन को। अब जो विंड डायरेक्शन है वो जो कॉन्टेमिनेंट्स हैं उनका जो ट्रैवलिंग का पाथ है उसको अफेक्ट करती है।
और दूसरा ये कि जो विंड की डायरेक्शन है वो ये भी डिसाइड करती है कि जो डिस्पर्शन का प्रोसेस है, डिस्पर्शन मीन के डिल्यूशन, ठीक हो गया, और वो जो है वो उसका रेट क्या होगा, सही, जो भी उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जी एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मैंने बताया कि ये वेदर की वो कंडीशन है जिसमें जो विंड है उसकी मूवमेंट कम से कम हो जाती है या स्टेबल कंडीशन में आ जाती है, एयर की फॉर्म में आ जाती है, सही, एयर। और उससे फिर जितने भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो किसी खास जगह पे, स्पेशली जो सोर्स है, चाहे वो पॉइंट सोर्स है या मोबाइल सोर्सेस हैं, तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन उस एरिया में बढ़ना शुरू हो जाती है, ठीक। और अगर आप देखें कि स्टेबिलिटी जो है वो कम होगी या अनस्टेबल कंडीशन होएगी तो एयर की मूवमेंट ज़्यादा होगी और उससे फिर जो डिल्यूशन या डिस्पर्शन का प्रोसेस है वो तेज़ हो जाता है और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाती है। तो इस तरह से इफेक्ट कर, टेम्परेचर का मैंने पहले आपको बता दिया कि, तो अदर वे में आप इस तरह से देख सकते हैं कि ना सिर्फ टेम्परेचर जो है वो विंड को कंट्रोल करता है या अफेक्ट करता है थ्रू प्रेशर, बल्कि आप ये भी देखें कि जब टेम्परेचर खासकर इंक्रीज होता है या हाई टेम्परेचर के ऊपर जो वोलेटिलाइजेशन है ऑर्गेनिक मैटर की और इनऑर्गेनिक मटेरियल की, उसको ये अफेक्ट करता है, ठीक हो गया। और फिर उसके बाद जो वेपर्स हैं उनकी फॉर्मेशन के ऊपर भी अफेक्ट करता है, ठीक हो गया। और इसलिए अगर जो अगर सनी डे है और उस सूरत में फिर जो वर्स्ट केस जो सिचुएशन है वो डेवलप हो सकती है हाई टेम्परेचर के केस में, हॉट डेज में। इसके बाद ह्यूमिडिटी है, आपको पता है कि एयर में जितनी ह्यूमिडिटी होगी पॉल्यूटेंट्स जो है वो उसमें डिजोल्व होना शुरू हो जाता है वाटर वेपर्स में, और ये प्रेसिपिटेशन का बाइस बनती है, सही। और ना सिर्फ ये पॉल्यूटेंट्स को वॉश आउट करती है बल्कि, या ऐसे हो जाते हैं एटमोसफेयर से, बल्कि जो सैम्पलिंग है, वॉल्यूम ऑफ सैम्पल है पॉल्यूटेंट का, उसको भी अफेक्ट करती है। एयर प्रेशर जो है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मैंने आपको बता दिया कि ये टेम्परेचर के साथ लिंक है या टेम्परेचर इसके साथ लिंक है, और एयर मूवमेंट है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है। तो एयर मूवमेंट का मतलब ये है कि पॉल्यूटेंट्स की जो मूवमेंट है या डायनेमिक्स है वो इसके ऊपर डिपेंड करती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर, ठीक हो गया। और जो लोकल अगर जनरली हम देखें कि जो मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस हैं लोकल, वो काफ़ी हद तक पॉल्यूशन डिस्पर्शन का जो प्रोसेस है उसको अफेक्ट करती हैं, और ख़ासकर जो आम दिनों में टेम्परेचर की वेरिएशंस हैं वो भी इन डिस्पर्शन को अफेक्ट करती हैं। इसके अलावा जो टोपोग्राफी की जो वेरिएशंस हैं, अंडुलेशंस हैं, वो एयर इन्वर्शन जो है वो उस फिनोमेना को बढ़ा देती हैं। और उसकी एयर इन्वर्शन का मतलब ये है कि एयर की जो स्पीड है, विंड स्पीड है, वो अफेक्ट होती है, और वो फिर जो ट्रांसपोर्ट का जो फिनोमेना है पॉल्यूटेंट का, उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर देती हैं। अब इसके अलावा ये थी सारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो कि मोशन के साथ और टेम्परेचर वेरिएशन के साथ और टेम्परेचर ग्रेडियंट से रेलेवेंट थी। केमिकली जो है वो कॉन्टेमिनेंट जो हैं केमिकली वो भी जो है वो अफेक्ट रखते हैं। द केमिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कॉन्टेमिनेंट जिसमें कि मॉलिकुलर वेट आ सकता है, फिजिकल स्टेट है, वेपर प्रेशर है, टेम्परेचर है, रिएक्टिव कंपाउंड है, एंड फोटो डिग्रेडेशन है अफेक्ट्स इट्स बिहेवियर एंड कैन इन्फ्लुएंस द मेथड यूज्ड टू सैंपल एंड एनालाइज इट, ठीक हो गया जी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि एयर सैम्पलिंग को अफेक्ट करते हैं, तो इनको मैंने थोड़ा ब्रीफ ली जो है वो
इनका जो इफेक्ट है, किस तरह से ये जो मैकेनिज्म है, किस तरह से ये पोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, वो मैंने डिस्क्राइब किया है, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एयर सैम्पलिंग में, वो है फ्लो रेट। अब जो फ्लो रेट है वो बहुत अहम कंपोनेंट है एयर सैम्पलिंग का, और क्योंकि इससे जो सैंपल है, जो वॉल्यूम है सैंपल का, वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। और दूसरा जो फ्लो रेट का कंपोनेंट है, वो उसके हम बोलते हैं वो स्टेबिलिटी जो है इसकी, वो बहुत अहम है इसमें भी। ठीक, तो इसमें जो फ्लो रेट की हम बात करते हैं, तो इसमें तीन चीज़ें आती हैं। एक है मास ट्रांसफ़र मेजरमेंट। तो जैसे कि मैंने बताया कि जब जो फ्लो रेट है, ये हमें ये बताता है कि जो कितना वॉल्यूम जो है वो आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम है वो कहीं ना कहीं जो आपकी एक्यूरेसी है, या आपके जो रिजल्ट्स की रिलायबिलिटी है, या उसकी रिप्रेजेंटेटिवनेस है, वो उसको अफेक्ट करता है। और ये फिर डिपेंड करता है फ्लो रेट के किस तरह के आप सैम्पलर्स यूज़ करें, एक्टिव और पैसिव। ठीक, और ये जो सैंपल हम कलेक्ट करते हैं सैम्पलिंग प्रोसेस के दौरान, तो इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं लैब के अंदर, और वहाँ पे फिर जो है उसको एनालिसिस किया जाता है। ठीक हो गया। अब जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं, तो ये या तो डायनेमिक फ्लो रेट के ज़रिए से कर सकते हैं, या स्टैटिक। तो ये मैंने बताया कि जो जब हम एक्टिव सैंपलिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, मतलब उसमें ऐसे सैम्पलर यूज़ करेंगे जिसमें कि पंप्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो वो उस डायनेमिक फ्लो रेट मेथड होगा। और अगर हम वो पैसिव जो है जो सैम्पलिंग मेथड टेक्निक जो है यूज़ करेंगे, जिसमें कि जो कि डिफ्यूजन के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, कि जिसमें कॉन्सनट्रेशन का जो डिफरेंस है उसकी वजह से जो पॉल्यूटेंट्स है वो ट्रैवल करते हैं या मूव करते हैं, तो वो उसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टैटिक फ्लो रेट जो है वो मेथड है। सही हो गया। और ये तीन जो है वो चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की हैं। अब अगर हम बात करें कि इनकी तफसील अगर देखें, जो फ्लो एयर का जो फ्लो है जिसके साथ हम एयर सैंपल कलेक्ट करते हैं, जिस फ्लो के साथ वो सैम्पलर के अंदर एयर दाखिल होती है, ठीक हो गया, तो उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं, जो पैरामीटर है मेजरमेंट के, वो फ्लो वेलोसिटी ही करते हैं, फ्लो रेट मेयर करते हैं, कैपेसिटी वॉल्यूम मेयर करते हैं, और प्रेशर मेयर किया जाता है। सही हो गया। और वॉल्यूम खासकर हम जो फ्लो रेट है और टाइम के हिसाब से इनको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसमें भी हम ये अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह से कैलकुलेट करना है। अब जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो टेबल कॉलम 2 में गिवन है, और इनकी जो इंस्ट्रूमेंट्स की रेंज है वो भी आपको राइट साइड जो कॉलम है उसमें गिवन है, ये तफसील आप देख सकते हैं। और अगर आप इन इंस्ट्रूमेंट्स की जो कि वेलोसिटी, फ्लो रेट, कैपेसिटी और आई मीन वॉल्यूम और प्रेशर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो ये फिगर्स में गिवन है। ठीक हो गया। ये पहली फिगर 103 में पिटोट ट्यूब्स हैं, 1, 2 और 3 में वेंचुरी मीटर है और फेस मीटर है। इसके बाद जो गिवन है वो रोटर मीटर है, जिसे फ्लोट फ्लो मीटर भी कहा जाता है। उसके बाद मास फ्लो मीटर है, सोप फिल्म है फ्लो मीटर है, और वेट गैस मीटर है, और आखिर में रूट्स मीटर्स हैं, और इसके अलावा मैनोमीटर्स हैं, जो कि तीन टाइप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। यूट्यूब टाइप हैं, स्टोरेज टैंक टाइप हैं, और इंक्लाइंट ट्यूब टाइप है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो अहम चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि फ्लो वॉल्यूम जो है वो उसके डिटरमिन करने में जो है फ्लो रेट जो है वो बहुत अहम इसका हिस्सा है, तो इसलिए जो फ्लो है उसकी फ्लो रेट की एडजस्टमेंट जो है वो बहुत अहम है सैम्पलिंग के दौरान या सैम्पलिंग से पहले। जिस तरह कैलिब्रेशन की जाती है, इसी तरह जो है फ्लो रेट जो है उसको एडजस्ट किया जाता है, फ्लक्चुएशन है वो कम से कम हो। सही हो गया।
और एक यूनिफॉर्म सैंपल जो है और रिक्वायर्ड क्वांटिटी में या मैक्सिमम क्वांटिटी में जो है वो आप कलेक्ट कर सकें। अब इसमें जब हमने फ्लो को एडजस्ट करना है तो इसमें फ्लो कंट्रोलर्स इस्तेमाल करते हैं जो कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये सारा इसका जो फ्लो चार्ट है यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और ये फ्लो कंट्रोलर जो है ये जो फ्लो रेट है उसको स्टेबलाइज करने के लिए और या एडजस्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। खासकर जब आपने एम्बिएंट एयर की जो सैम्पलिंग है वो करनी हो। और इसमें आप ये काम मैन्युअली कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिक कर सकते हैं। अब ये जो फिगर है इसमें मैनुअल मेथड का जो फ्लो चार्ट है वो शो किया गया है और ज़्यादातर यही इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया। और इसमें नॉर्मली एक नीडल वॉल्व जो है वो यूज़ करते हैं और जो कि जो फ्लो रेट है उसको कंट्रोल करता है। और जबकि एक फिल्टर जो है वो इनलेट पॉइंट के ऊपर लगा होता है और इसके अलावा एक बाईपास है जो कि सक्शन को कंट्रोल करता है। और एक ऑरिफिस जो है वो प्रोवाइड किया गया है या कैपिलरी ट्यूब जो कि पोल्यूटेंट्स को सक्शन पंप के अंदर दाखिल होने से रोकते हैं। ठीक हो गया। और जबकि अगर ऑटोमेटिक जो फ्लो रेट एडजस्ट की बात करें या ऑटोमेटिक फ्लो रेट एडजस्टमेंट मेथड, इसमें ऑटोमेटिक फ्लो कंट्रोलर जो है वो यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया। और इनकी तीन टाइप्स हैं नॉर्मली जो अवेलेबल हैं। उसमें सबसे पहले है एरिया फ्लो मीटर है, दूसरा मास फ्लो मीटर है और तीसरा है प्रेशर एडजस्टमेंट मेथड है। सही हो गया। और नेक्स्ट जो अहम कंपोनेंट है सैम्पलिंग का वो है कैलिब्रेशन, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं उनको ना सिर्फ रेगुलरली साफ़ करने की ज़रूरत है बल्कि उनको कैलिब्रेशन की ज़रूरत भी होती है। और कैलिब्रेशन के लिए उनके मीटर के जो ऊपर ही जो है वो एक वैल्यू दर्ज की जाती है या की गई होती है मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से, जिससे कि आपने जो सैम्पलर है या फ्लो मीटर है उसको आपने रिकैलिब्रेट या रीएडजस्ट करना होता है। या फिर इसके लिए आप इंडिपेंडेंट जो है वो मीटर यूज़ कर सकते हैं जैसे कि ये नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हैं टॉप वाली में। ये इधर लेफ्ट साइड पे वो मीटर है जिसको के कैलिब्रेट करना है और राइट साइड पे जो स्टैंडर्ड है उसको आप फिगर देख सकते हैं। सही हो गया। और इसमें आमतौर पे जो वेट गैस मीटर है और प्रिसीजन मेम्ब्रेन फ्लो मीटर जो है वो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। और इनकी फिगर जो है वो यहाँ पे 3.12 में शो की गई है। ठीक हो गया। जबकि जो स्टैंडर्ड फ्लो मीटर है और ये हाई वॉल्यूम जो है सैम्पलर उनके लिए उनकी कैलिब्रेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, दूसरी टाइप का जो है और जो नंबर दो पे गिवन है नीचे। नेक्स्ट अगर हम सैम्पलिंग की बात करें क्योंकि मैंने कहा कि दो तरह की हम कैटेगरीज या क्लासेस में इनको डिवाइड कर सकते हैं, एक तो गैसियस हैं और दूसरे जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स या पार्टिकुलेट मैटर की सूरत में हैं। तो दोनों के को सैम्पल करने के जो तरीक़ेकार है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, टूल्स मुख्तलिफ हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ करते हैं। और इसलिए जब आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं तो ऑब्जेक्टिव्स में जो है कि अकॉर्डिंग आपने जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपने सेलेक्ट करना होता है। सही हो गया। और ये जो इसको हम बोलते हैं अप्रोप्रिएट, ये जो पीछे एक सेक्शन में हमने उसकी एक्यूरेसी जो है वो उस पर बात करते हुए कहा था कि जो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो आपका प्लान है वो किस
उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, किस तरह से वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या उसकी जो रिजल्ट्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज होंगे। ठीक हो गया। और जब एयर सैम्पलिंग की जाती है गैशियस पॉल्यूटेंट के लिए, तो ज़्यादातर वेसल्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, और उसकी वजह ये, और इसमें ये है कि जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो वेरी करती है, राइट। और ख़ासकर जैसे जैसे आप सोर्स के क्लोज जाएंगे तो वहाँ पे वेरिएशन जो है वो बढ़ जाती है, और जैसे आप परे जाएंगे, ऑफ साइड जाएंगे, तो वहाँ पे इनकी कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है। सही हो गया। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि जो एयर सैम्पलिंग है वो कुछ लंबे अरसे के लिए जो है वो कंडक्ट की जाए, ताकि जो साइट के लिए जो एवरेज कॉन्सनट्रेशन हैं पॉल्यूटेंट्स की वो आपके पास आ सकें। ठीक हो गया। और इसमें जो सैम्पलिंग के मुख्तलिफ मेथड्स यहाँ पे अनलिस्ट किए हुए हैं मैंने, एक नेचुरल वेंटिलेशन मेथड है, वैक्यूम वेसल मेथड है, सैम्पलिंग मेथड है, और डिस्प्लेसमेंट मेथड है। इनको थोड़ा थोड़ा सा मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, बाकी तफसील आप खुद पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये वैसे तरीक़ेकार यहाँ पे मेंशन है, तो आई सजेस्ट कि आप खुद से इन्हें रीडर करने ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक हो गया। और नेक्स्ट हम चलते हैं जी पार्टिकुलेट मैटर की तरफ, कि जब आपने पार्टिकुलेट मैटर को सैंपल करना है तो सबसे पहला जो काम है कि वो आपने फिल्टर जो पेपर है उसको आप सेलेक्ट करते हैं, और तीन इसके जो मेथड्स हैं, एक कॉन्सनट्रेटिंग मेथड्स हैं, एडसॉर्प्शन मेथड है, लो टेम्परेचर कॉन्सनट्रेटिंग मेथड है, और एब्जॉर्बेंट रिएक्शन मेथड है। लेकिन इनमें जो कॉमन चीज़ है वो है सैम्पलिंग फिल्टर पेपर। और पांच तरह के जो फिल्टर्स हैं वो अवेलेबल हैं, सॉरी पांच तरह के जो प्रिंसिपल्स हैं वो कलेक्शन के लिए जो सैम्पलिंग के लिए जो है एम्प्लॉय कर सकते हैं हम, और उनमें जो है उनकी टाइप्स कुछ इस तरह से है कि उनमें इनर्शियल कोलिजन इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट आ जाता है, डिफ्यूजन है, ग्रेविटी है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक है। और अब इसमें जो डिफ्यूजन का जो प्रिंसिपल है उसको इफेक्ट का जो प्रिंसिपल है वो आप यूज़ कर सकते हैं, कि जब पार्टिकल साइज़ जो है वो 0.1 माइक्रोमीटर से कम होगा, ठीक हो गया, या उसके करीब तरीन होगा। जबकि जो डिफ्यूजन है और स्क्रीनिंग है, ये पार्टिकल साइज़ जो 0.1 से 0.5 के दरमियान, माइक्रोमीटर के दरमियान हो, तो उस सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं। और जो इनर्शियल कोलिजन और स्क्रीनिंग है, ये आप 0.5 और ज़्यादा साइज़ के जो है पार्टिकल्स उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जबकि जो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल है वो आप माइन्यूट जो साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। सही हो गया। और जो इनर्शियल कोलिजन और स्क्रीनिंग और जो ग्रेविटी है, ये ज़्यादातर जो लार्ज साइज़ के पार्टिकल्स हैं उनके लिए आप कर सकते हैं, जिनका साइज़ 2 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है। अब जब आपने जो फिल्टर है, फिल्टर पेपर है, वो उसकी सिलेक्शन अगर आप करना चाहें तो वो डिपेंड करता है कि जो मैटर है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है। और पेपर जो हम यूज़ करते हैं इसकी नॉर्मली दो टाइप्स हैं, एक फैब्रिक है और दूसरा पोरस मेम्ब्रेन फिल्टर है। और इसकी आगे फर्दर टाइप्स हैं जो कि ये नेक्स्ट टेबल में गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कि दो तरह के इनकी क्लासिफिकेशन, एक फाइबरस फिल्टर है, दूसरा पोरस मेम्ब्रेन टाइप है। और इनकी फर्दर आगे टाइप्स हैं, सेलुलोज टाइप है, ग्लास टाइप है, और क्वार्ट्ज फाइबर है फाइबर्स में, और पोरस मेम्ब्रेन में है जी सेलुलोज है,
फ्लोरोपोर है और न्यूक्लियर पोर है, इसके बाद सिल्वर मेम्ब्रेन है, ठीक है। और एग्जांपल के तौर पर कुछ प्रोडक्ट्स के यहाँ पे कोड्स वगैरह लिखे हुए हैं, AP20 है, जैसे T60A20 है, और इनकी जो मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन रेंज है वो लिखी गई है, ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेप है वो है वेइंग ऑफ फिल्टर पेपर। आपको पता है कि जब फिल्टर जो है हम यूज़ करते हैं खासकर पार्टिकुलेट मैटर की सैम्पलिंग के लिए, तो इसको वे किया जाता है, इसकी वेट किया जाता है इसको, ठीक हो गया, और वेट बैलेंस के ऊपर, और उस बैलेंस की जो सेंसिटिविटी है वो 0.1 मिलीग्राम और उससे या उससे कुछ ज़्यादा होती है, ठीक हो गया। और जबकि कुछ अदर कंडीशंस जैसे कि जो एयर जो टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस है उस जहाँ पे आपने बैलेंस रखा है और जिसके ऊपर आप वेट कर रहे हैं सैम्पल पेपर का, फिल्टर पेपर का, तो वो स्टेबल होने चाहिए, ठीक हो गया। और कोशिश ये करनी चाहिए या ये करें कि जब आप वेट करें तो एक से ज़्यादा बार करें, एटलीस्ट 2 दफ़ा, और अगर बार बार करने के बावजूद भी जो वेट है वो वैल्यूज़ कंसिस्टेंट नहीं आ रही तो उसे रिपीट करते रहें जब तक के कंसिस्टेंट वैल्यूज़ ना आ जाएं, ठीक हो गया जी। अब स्टोरिंग जो है वो फिल्टर पेपर का वो भी एक अहम कंपोनेंट है। बेहतरीन टेक्निक या अप्रोच ये है कि जैसे ही सैंपल कलेक्ट किया गया वैसे ही उसको आगे जो है वो एनालाइज करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप तो मल्टी साइट्स के ऊपर मल्टीपल जो है वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, तो उस सूरत में जो सैंपल्स हैं या फिल्टर पेपर्स हैं उनको स्टोर करना पड़ता है, जबकि स्टोरेज जो है वो वेरी करता है कि आपने किस तरह का जो एनालिसिस है वो कैरी आउट करना है, सही हो गया। खासकर अगर आप देखें कि जो हैवी मेटल्स हैं उनको आप रूम टेम्परेचर के ऊपर कर सकते हैं स्टोर, जबकि प्लास्टिक बैग के अंदर रख सकते हैं जो पेपर है, फिल्टर पेपर, जबकि जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं या कंपाउंड्स हैं या ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हैं वो चूँकि वोलेटाइल होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो उनको फिर फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर रखा जाता है, ठीक हो गया। और कुछ ऐसे भी हैं कि जिनकी अगर वो उनके सैंपल आपने कलेक्ट किए हैं और जो सैम फिल्टर पेपर है वो एक्सपोज करता है डायरेक्ट सनलाइट को तो रूम टेम्परेचर के ऊपर भी, तो उनकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होना शुरू हो जाती है, जिसमें जिसकी मिसाल है बेंजोपायरीन, ठीक हो गया। तो इसलिए इस तरह के जो सैंपल्स हैं उनको आप डार्क और फ्रोज़न जो कंडीशंस हैं वहाँ पे या एनवायरनमेंट है वहाँ पे सेव करना चाहिए। नेक्स्ट है बैलेंस, और बैलेंस के केस में 2 पॉइंट्स अहम हैं, एक तो ये कि जब आप सेटिंग कर रहे हो बैलेंस की, वेट बैलेंस की बात कर रहा हूँ, और दूसरा जब आप उसको यूज़ कर रहे हो, और ये कंडीशंस आप पढ़ सकते हैं खुद से, इतनी ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आई थिंक जो फ्लू गैसेस की सैम्पलिंग का है उसके लिए है जो तरीक़ेकार वो बताया गया है कि फ्लू गैस, जैसे कि इस फिगर में भी आप देख सकते हैं कि ये जो है वो स्टेक है, चिमनी है, और ये यहाँ पे सुराख निकाला गया है और यहाँ पे ये पाइप लगा के इसके अंदर से तफसील मैं बता देता हूँ।